Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. इंजोली थाना क्षेत्र के पबला गांव में 18 मार्च को की गई 47 वर्षीय सुनीत जाटव की हत्या के बाकी तीन आरोपी जोनी, गौरव और शामबीर को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सुनीत के परिजनों ने बताया कि विवेचना के लिए मामले को इंचोली थाने से गंगानगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी थाना गंगानगर के SO दिनेश प्रताप सिंह परिजनों को विवेचना के नाम पर सिर्फ तसल्ली दिए जा रहे हैं। बता दें, यह हत्या प्रेम विवाह के चलते की गई है। साधु सुनीत के बेटे अरुण ने दीपांशी से कॉर्ट मैरिज कर लिया था। इसी से गुस्साई दीपांशी के परिजनों ने उसके ससुर यानी साधु सुनीत की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और साथ ही जैसे साधु की हत्या की वैसे ही उनके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दीपांशी ने खुद अपने परिजनों पर ससुर की हत्या का आरोप लगाते हुए SSP कार्यालय में गवाही दी थी। देखिए, सर, मेरा नाम दीपांशी है, मैं पबला की रहने वाली हूँ। मैंने आपसे 10 महीने पहले कोर्ट मैरिज किया था, जिसके बारे में हमने घर वालों को बताया नहीं था, लेकिन मैंने अपने घर वालों को आपसे दो महीने बाद बता दिया था कि मैंने ऐसे तो कोर्ट मैरिज कर रखा है, लेकिन मेरे घर वालों ने इस चीज़ का विरोध किया और मुझे मारने की कोशिश प्लानिंग की। और जब उन्होंने मुझे मारने की प्लानिंग की तो इस बारे में मुझे पता चल गया था, तो मैं अपने हस्बैंड को लेके वहाँ से रात को आ गई थी। उसके बाद जब काफ़ी टाइम हो गया तो कुछ टाइम बाद, 1-1.5 महीने बाद, उन्होंने मेरे ससुर जी को बहुत बेरहमी के साथ में बलकटी से गर्दन पे वार करके, मुंह में अखबार ठूस के, ऐसे डंडों से वार तक किया है। बहुत बुरी तरीके से मेरे ससुर जी की मौत कर दी। और अब मेरे ससुर वालिया हैं उनके पीछे और हमारे पीछे पीछा कर रहे हैं और खुलेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। और अब से 5 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी बुआ जी को भी मार दिया था, मुंह पे तकिया रख के रातों रात बिछौने में फूंक दिया था। इस तरीके से वो मुझे मारना चाहते हैं और अब हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें? जी नहीं, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने अब से पहले 23 जनवरी को हमने एक एप्लीकेशन दी थी SSP ऑफिस, जो कि इंचोली थाना बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है जी? इंचोली। अब यहाँ अधिकारी से मिलो, क्या कह रहे हो? जी, वो कह रहे हैं सर। मेरा नाम अरुण है, ग्राम पबला का रहने वाला हूँ। आपसे मैंने 1 साल पहले कोर्ट मैरिज करा था। मेरा नाम दीपांशी है, मैं ग्राम पबला की रहने वाली हूँ। मैंने आपसे 1 साल पहले कोर्ट मैरिज करा था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन आपसे 4 महीने पहले मैंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे मारने की प्लानिंग बनाई, जिसको मुझे पता चल गया था। तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर रात को वहाँ से भाग के आ गई थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने हमें मारने की धमकी दी, तो हमने एक एप्लीकेशन लगाई SSP ऑफिस 23 जनवरी को, जिसमें पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इस बीच में 18 मार्च को मेरे घर वालों ने, मेरे जो पापा हैं उन्होंने, मेरे चचा शामवीर, मेरे गौरव भैया और मेरे दोनों मामा हिम्मा और जोनी, उन्होंने मिलकर मेरे ससुर जी की बहुत बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और अब से 4 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी बुआ जी को ऊपर तक क्या रखकर रातों रात बिछौने में फूंक दिया था, उन्हें मार दिया था। और मेरे घर वाले मुझे भी ऐसे ही मारना चाह रहे थे और अब वे मेरे ससुरालयों के पीछे पड़े हैं, उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं और हमें ढूंढ रहे हैं, हमें भी मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरा नाम अजय कुमार, मेरे पिता का नाम सुनीत कुमार, मैं ग्राम पबला थाना इंचोली मेरठ का रहने वाला हूँ। 18 मार्च 2023 को मेरे पिता की गांव के चार लोगों ने मिलकर बड़ी बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी, हथियारों से उनकी गर्दन काट कर। वे जब सुबह पूजा पाठ कर गांव की तरफ लौट रहे थे, तब ये उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हमें कई बार मारने की धमकी दी, पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरे पिता के जो हत्यारे, उन नाम दर्ज रिपोर्ट कराई गई, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक 15 साल के नाबालिग को कबूलवा कर उसे जेल भेज दिया, बाकी सबको रिहा कर खुलेआम छोड़ दिया गया। वे बार बार हमें धमकी देते हैं, चुप बैठने के लिए कहते हैं कि चुप बैठ जाओ नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। कई बार मैंने पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मुझे कोई सहायता नहीं मिली।